सरकारी सुस्ती, अफसरों की नाकामी और तमाम पचड़ों के बाद भी प्रदेश में सरकारी नौकरी करने का सपना देखने वाले बेरोजगारों के लिए ये लक्ष्य पाना अब दूर की कौड़ी साबित हो रहा। कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं प्रदेश के 567 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के टीचर्स। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इनकी मजबूरी की पूरी कहानी। तृतीय श्रेणी शिक्षक मुश्किल में, 567 शिक्षकों को इंसाफ कब? कोर्ट के आदेश पर भी सुनवाई नहीं। साल 2013 में निकली तृतीय श्रेणी के 21,000 शिक्षकों की भर्ती में चयनित करीब 567 शिक्षक संशोधित परिणामों के बाद के 4 साल बाद भी नियमितीकरण और स्थायीकरण के इंतजार में हैं। यह शिक्षक प्रोबेशन काल में मिलने वाले 21,000 रुपए के वेतन पर ही काम करने को मजबूर हैं। शिक्षा मंत्री के पास जा चुके, पूर्व सरकार के मंत्रियों के चक्कर लगा चुके, लेकिन हमारी सुनवाई होती नहीं है। पंचायत और राज विभाग में अधिकारी हमारी फाइल को इधर विधर करते रहते हैं और वो हमको कोई ना सूचना देते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। परेशान है और हमारी हालत बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन है। इंसाफ पाने के लिए शिक्षकों ने जोधपुर और जयपुर हाईकोर्ट की शरण ली। जयपुर खंडपीठ ने 10 जनवरी 2018 को और जोधपुर हाईकोर्ट ने 9 मई 2018 को पीड़ित शिक्षकों के पक्ष में आदेश जारी किया और 2 महीने में स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण के आदेश दिए, लेकिन �ऐसा अब तक हो ना सका। 10 जनवरी 2017 को हमारा आदेश भी आ चुका है, इसका जो कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद मई में एक जोधपुर से आदेश आ चुका है जिसमें ये कहा गया कि 2 महीने के अंदर अंदर इसकी पालना की जाए। दोनों के बाद भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जब भी हम ऑफिस में जाते हैं हमारे को यही कहा जाता है 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। बीते 4 सालों से 21,000 वेतन पर संघर्ष कर रहे इन शिक्षकों के अब आर्थिक हालात भी खराब होते जा रहे, जबकि इनके साथ ही 37 से 40 हजार रुपए महीना पा रहे हैं। हमारे साथ के जो साथी हैं उनका कईयों का वेतन नियमितीकरण हो गया, जब एक ही वैकेंसी में समान पद पे हैं, कुछ को फुल सैलरी मिल रही है और हमें नहीं मिल रही, जबकि वो भी प्रभावित थे हम भी प्रभावित थे, तो सबको एक समान रूप से रखना चाहिए। प्रदेश के 11 ऐसे जिले हैं जहां के 567 तृतीय श्रेणी शिक्षक अपनी समस्या समाधान के लिए दर दर के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन अदालत की अवमानना पर उतारू शिक्षा विभाग से इंसाफ की आस अब धुंधलाती जा रही है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।